Very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we will start our chapter number 6, Fun with Microsoft Paint of your computer book. Open your computer books at page number 42. Chapter number 6, Fun with Microsoft Paint. In this chapter, we will study about how to start MS Paint, parts of the paint window and how to draw the shapes in this paint window. Okay, so let's start the reading of this. Konsa chapter? Fun with Microsoft Paint. So at page number 42, let's start the reading. Starting MS Paint. Kya matlab iska? MS Paint ko start kaise karna hai? Sabse pehle aap computer chalaoge, aapko ek pichle चैप्टर में आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में या 2 में सिखाया था ना कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कौन से स्टेप्स हैं कंप्यूटर चलाने के. तो पहले हम कंप्यूटर चलाएंगे, जब कंप्यूटर चल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जो हमारी सर्च बार होती है विंडो 10 में उस पे क्लिक करेंगे. अगर विंडो 10 नहीं है, विंडो 7 है, तो हम कहां क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे. ओके, वहां पे सर्च बार आएगी, स्टार्ट बटन पे बाद में आती है, स्टार्ट पे क्लिक करने पे विंडो 7 में और विंडो 10 में ऑलरेडी वहां पे डेस्कटॉप पे टास्क बार पे पड़ी होती है. उसमें हम पेंट लिखेंगे, PAINT. क्या टाइप करेंगे, पेंट. आपको कीबोर्ड का चैप्टर कराया ना पिछला, उसमें सिखाया ना कि अल्फाबेट की से हम ABC टाइप कर सकते हैं, तो वैसे ही हम उसमें से टाइप करेंगे पेंट, PAINT. तो जब पेंट टाइप करके हम एंटर की दबाएंगे तो वहां पे एक लिस्ट आ जाएगी हमारे पास ऑप्शंस की, ठीक है, ऐसे करके. तो उसमें से हम पेंट वाला पेंट ढूंढेंगे और उस पे क्लिक कर देंगे. जब हम पेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या खुल जाएगा, हमारी पेंट विंडो खुल जाएगी. कैसी, ऐसी के ये वाली पेंट विंडो खुल जाएगी हमारी. तो इस पेंट विंडो में जो व्हाइट वाला पोर्शन है इस पे हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग कर सकते हैं हम इसमें. ओके, कैसे वो हम आगे पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ेंगे कि ये पेंट विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है. पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो. देखो, पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे देखो लिखा है ना ऊपर रेड कलर में, पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो. तो उसके बाद पिक्चर बनी है, जैसी पिक्चर मैंने लगाई है यहाँ पे बिल्कुल वैसी बनी है ना वो. तो इसमें हम देखते हैं कौन से पार्ट का क्या नाम है. सबसे ऊपर जो पार्ट होता है हमारी पेंट विंडो में, ये वाली विंडो में जो ब्लू कलर की विंडो बनी है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसको कहते हैं टाइटल बार. क्या कहते हैं, टाइटल बार. टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो. टॉप मतलब सबसे ऊपर विंडो के टॉप पे पड़ी होती है टाइटल बार. इस पे क्या होता है, इसको टाइटल बार पता क्या कहते हैं, आपको पता है टाइटल क्या होता है, आप लोग मूवीज देखते हो ना फिल्में, तो अब फिल्म का नाम क्या ये बोलते हैं, उसका टाइटल क्या है, तो वो उसका नाम होता है. तो ये टाइटल बार है, ये हमारी जब हम पेंटिंग करते हैं, हम ड्रॉइंग को सेव करते हैं तो अपना एक नाम देते हैं ना इसमें कि मेरी ड्रॉइंग मेरे नाम से सेव कर दो, तो वो जो नाम होता है वो नाम इस टाइटल बार पे दिखाई देता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग का टाइटल दिखाता है, उसका नेम दिखाता है, ठीक है. इट डिस्प्लेस द नेम ऑफ द ड्राइंग. बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द ड्राइंग फाइल इज अनटाइटल्ड. जितनी देर तक हम इसको सेव नहीं करते, कोई नेम अपना नहीं देते, उतनी देर तक बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर इसको क्या नाम देता है, अनटाइटल्ड, UNTITLED. इसका क्या मतलब कि इसका कोई टाइटल नहीं है, इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा पार्ट क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार अपनी बुक में देखो, टाइटल बार के बिल्कुल टाइटल बार पे ही लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले बना है पेंट बटन. पेंट की शेप में ट्रे बनी है एक, उसमें वो है पेंट बटन. उसके साथ ही तीन साइन बने हैं, एक पर्पल कलर का, एक एरो गोल सा इधर को, एक गोल सा एरो राइट हैंड साइड को बने हैं ना. तो वो जो है वो क्या है, हमारी क्विक एक्सेस टूल बार. इतना मुश्किल वर्ड है ये क्विक एक्सेस टूल बार, है ना. तो अब इसका मतलब समझते हैं हम क्या होता है. क्विक मतलब जल्दी, एक्सेस मीन्स
कि वो उसको एक्सेस करता है, उसको चला देता है। तो जल्दी से चला देने वाली टूल बार है ये, क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस पे जो ये तीन बटन है, ये है एक सेव का, मतलब हमने अपनी ड्राइंग सेव करनी है, फटाफट उस पे क्लिक किया तो वो सेव हो जाएगी। एक अंडू, अंडू जब हमारा कुछ गलत हो जाता है तो हम इरेज करते हैं ना, तो इसमें अंडू जो है वो हमारा इरेजर का काम करता है। रीडू, हमने कोई चीज बार बार करनी है तो हम रीडू, जो राइट हैंड साइड को एरो है वो रीडू है, हम उस पे रीडू पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेंट बटन। पेंट बटन पे क्या होता है, जब हम पेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कितनी सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं, जैसे न्यू, सेव, ओपन, कि नई ड्राइंग बनानी है, सेव करनी है या पुरानी कोई ड्राइंग खोलनी है। ओके, नेक्स्ट इज रिबन। अब जो ये ग्रे वाला ब्लू वाला पोर्शन है इतना बड़ा सा, जिसपे ये सारा कुछ बना है, कलर्स, शेप्स, ब्रशेस, उस सारे पार्ट को क्या कहते हैं, रिबन। क्या कहते हैं, रिबन, RIBBON। रिबन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है रिबन। कौन से, एक टैब्स और एक ग्रुप्स। जो ऊपर टैब होम और व्यू लिखा है आपकी बुक में दिखाई दे रहा है ना आपको, एक होम लिखा है, व्यू लिखा है, ठीक है ना। तो जो होम और व्यू है वो हमारे टैब है, और जो उसके नीचे खुलता है, अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो जो नीचे क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप, ये सारा खुलता है, कलर्स, ये इसके ग्रुप्स हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो कोई और ग्रुप्स खुलेंगे। ओके, देन ड्राइंग एरिया, जो व्हाइट वाला पोर्शन है जिसपे हमने ड्राइंग करनी है उसको कहते हैं ड्राइंग एरिया। और इसका एक नाम और है, क्या, कैनवस। देखो आपको, आपकी ये जो वीडियो देख रहे हो इसने पिक्चर पे लिखा है ड्राइंग एरिया के साथ कैनवस लिखा है ना। ओके, तो दीज वर द पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो। आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, और पेंट चला के भी देखना है घर पे। ड्रॉइंग शीट्स, हम इसमें शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। पेज नंबर 44 खोलो अपने बुक का, हम इसमें शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं ऑलरेडी रेडीमेड। हम उनपे क्लिक करके उनको वर्किंग एरिया पे लेके ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये होम टैब में से शेप्स ग्रुप में खुल गया, ये रेड वाला जो है ना बटन, सारा रेड वाला पोर्शन, ये शेप्स है हमारी। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, जब हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा कंप्यूटर का, कि हम ये शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पेंट में। ओके, आज आपको पेंट को खोल के देखना है कंप्यूटर में, उसके सारे पार्ट्स लर्न करने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, और अच्छे से चला के देखना, और पेज नंबर 42 और 43 रीड करना है। Understand children, read page 42-43, it is your homework, and do practice of opening paint in your computer, paint को खोलने की practice करो अपने computer में और उसके parts देखो, okay, बाकी हम next period में करेंगे, till then take care children, bye, thank you.